सऊदी अरब के बाद बहरीन भी इसराइल को तस्लीम करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। बहरीनी बादशाह हम बिन ईसा बिन सलमान कहते हैं कि अरब ममालिक के खुद मुख्तार फलस्तीन के मुतालबे के साथ खड़े हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो इसराइल पहुंचे, जहां एक दिन क़याम के बाद वो मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक के दौरे पर बहरीन पहुंचे हैं। बहरीन के बादशाह हम्द बिन ईसा के साथ मुलाकात के दौरान माइक पोम्पियो ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक अमरीकी सदर का पैगाम पहुँचाया, जिसे मुस्तरद करते हुए बहरीन के सदर ने कहा कि वो दीगर अरब ममालिक के इसराइल के इनखिला और फलस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बना के अज़्म के साथ खड़े हैं। बादशाह हम्द बिन ईसा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो के अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के दबाव को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि फलस्तीन को 1967 से पहले की हैसियत में बहाल करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो इसराइल के लिए अरब ममालिक की हिमायत हासिल करने के लिए मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं, जिसका मकसद मुत्तहदा अरब अमारात की तरह दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवार करना है।